टेक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एडोब फोटोशॉप में बेस्ट कस्टम शेप रंगोली डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। इस मेथड को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप फाइल में जा कर के न्यू पेज ले सकते हैं और न्यू पेज लेने के बाद आप ओके करेंगे। यहाँ पर आपको ये पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ टूल बार में राइट क्लिक करेंगे कस्टम शेप पर और यहाँ से कस्टम शेप आपको मिल जाएगा। कस्टम शेप में यहाँ इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कस्टम शेप्स दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी एक कस्टम शेप, मैं आज मल्टीपल कस्टम शेप का यूज़ करके रंगोली डिज़ाइन तैयार करूँगा। तो ये मैंने एक शेप ले लिया, इसके बाद हमने ये एक शेप ले लिया शिफ्ट के साथ, पहले वाले से थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। दूसरा हमने ये शेप ले लिया, कुछ इस तरीके से हमने रखा, उसको और थोड़ा सा छोटा करेंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ से ये वाला शेप उठा लें। इनमें से जो भी शेप्स आप चाहें वो ले सकते हैं। अब इनको अरेंज करना है, थोड़ा सा पास पास करना है, ऐसे रख देना है इन्हें, यहाँ पे इसको रख देना है, यहाँ पे इस वाले शेप को रख देना है। रखने के बाद लेयर टूल बार में जाएं, लेयर्स में सभी लेयर को आपस में लिंक कर लें। लिंक करने के बाद आपको यहाँ पे ये सेंटर अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें लिखा होता है डिस्ट्रीब्यूट टॉप एज या डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर। आप डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर कर सकते हैं या टॉप एज कर सकते हैं या बॉटम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये एक पास दिखाई देते हैं, ठीक है। इनके बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आता हूँ। यहाँ इस लेयर पे क्लिक करें, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इसे भी नीचे ले आए और इन सभी लेयर्स को हम लोग लिंक करते हैं। लिंक करने के बाद कंट्रोल ई बटन को प्रेस करते हैं, सारी की सारी लेयर्स आपकी आपस में जुड़ जाएंगी। अब हमें पिछले बताए गए वीडियो की तरह यहाँ पर भी वही मेथड इस्तेमाल करना है। कंट्रोल जे करना है, सारी लेयर्स आपकी जुड़ जाती हैं, सॉरी कंट्रोल जे करना है डुप्लीकेट करने के लिए, कंट्रोल टी करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए और उसके बाद यहाँ आपको एक सेंटर दिखाई पड़ेगा। इस सेंटर को पकड़ करके आप नीचे की तरफ लेकर आएंगे, उसके बाद आप इंटर करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको एंगल देना होता है कि आप कितने डिग्री पर इसको घुमाते हैं। तो मैंने 20 डिग्री एंगल दे दिया, इंटर बटन दिया, दो बार इंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको होल्ड करनी है तीन कीज़, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और टी को एक एक करके वन बाई वन करके आप प्रेस करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह से एक नया डिज़ाइन आपके सामने बनकर तैयार हो गया है और आप इस डिज़ाइन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने सभी लेयर्स को लिंक किया है, लिंक करने के बाद मैंने इनको कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया है, कंट्रोल जे से मैंने डुप्लीकेट किया है, कंट्रोल टी किया है और इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से घुमा सकते हैं। रोटेट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, अदरवाइज़ मैं अल्ट और शिफ्ट से इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ यहाँ बीच में लेकर आना है ऐसे और इंटर बटन दबा देना है। ये डिज़ाइन कुछ ऐसा बन गया। इन दोनों को चाहें तो आप कंट्रोल ई से मर्ज कर दें, कंट्रोल टी से बड़ा कर दें और यहाँ पर आप इस तरीके से ये एक बेहतरीन डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। मैं पिछले टूल की तरह से इंटर करता हूँ। बैकग्राउंड में आप यहाँ से राइट क्लिक करें, इमेज का कलर चाहें तो कलर ओवरले में जा कर के रेड ब्लू ग्रीन कोई भी यहाँ से आप चुन सकते हैं। किसी भी कलर को आप यहाँ से उठा सकते हैं जो भी आप चाहें। मैं वाइट कलर कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड मुझे ब्लैक करना है। अभी मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, पेंट बकेट टूल उठाऊँगा, ब्लैक कलर लेने के बाद मैं यहाँ खाली जगह पे क्लिक कर दूँगा तो आपको यहाँ पर एक इस तरह से डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी।
तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ पे कस्टम शेप का इस्तेमाल करके और सेम इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बना सकते हैं, रंगोली डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं आगे आपको और भी वीडियोस बना करके ऐसे ही अलग अलग डिज़ाइन दिखाने की कोशिश करता हूँ।